प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत तीन नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रकार से इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को मंजूरी दी गई है. थ्री न्यू एम्स टाइप इंस्टीट्यूशंस हैव बीन अप्रूव्ड. वन टू बी लोकेटेड इन नागपुर इन महाराष्ट्र, वन टू बी लोकेटेड इन मंगलागिरी इन आंध्र प्रदेश एंड वन टू बी लोकेटेड इन कल्याणी इन वेस्ट बंगाल. आपको याद होगा जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हुआ तब उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक ये भी लिखा गया था कि जो नया स्टेट आंध्र प्रदेश का बनेगा उसमें एक एम्स टाइप इंस्टीट्यूशन बनेगी. ये उसको भी पूरा करता है, उस वादे को भी पूरा करता है. और इन तीनों एम्स, नए एम्स जो बनेंगे इसमें 4,950 करोड़ रुपए, टू बी मोर प्रिसाइज 4,949 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अनुमानित है. इस इन्वेस्टमेंट में ना ही सिर्फ हॉस्पिटल बनेगा, और ये हर एक हॉस्पिटल 960 बेड का हॉस्पिटल होगा. एक तो हॉस्पिटल ज़रूर बनेगा 960 बेड का, बट साथ ही साथ में एक मेडिकल कॉलेज हर एम्स के साथ बनेगा. टीचिंग ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, आयुष ब्लॉक, ऑडिटोरियम, नर्सिंग कॉलेज, नाइट शेल्टर, हॉस्टल और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, इन सबको पहले से ही प्लान करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैसिलिटी, मॉडर्न फैसिलिटी, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट बढ़िया हो और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की सेवाएं गरीब आदमी को मिल सकें इन सभी इलाकों में, और इनके इर्द गिर्द के जो राज्य हैं उनके लोग भी उसका लाभ ले सकें, जिससे सबको दिल्ली और जो छः नए एम्स हमने शुरू किए हैं उसके अलावा भी इन तीन एम्स की माध्यम से सेवा का मौका मिलेगा.